बताएं जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान नमस्कार। जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरठ कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर है रक्षा विभाग से डॉक्टर संजय कुमार, और बनारस से जी हैं हिंदुस्तान के संपादक विशेश्वर कुमार जी। स्वागत है आप दोनों लोगों का। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है, इन दिनों हर जगह हर फोन पे यही बात हो रही है कि कोरोना ने किस तरीके से पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। ना कहीं ऐलान का जंग का ऐलान हुआ, ना कहीं फौज की तैनाती है, ना कहीं कोई बमबारी है, फिर भी दुनिया भर के लोग जो हैं मरते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तबाही सी मच गई है, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, न केवल भारत जी की बल्कि और भी जो देश हैं उनकी भी। और इसी बीच ये खुलासा होता है कि चीन ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। तो मैं सबसे पहले संजय जी से बात करना चाहूंगी, आप इस पूरे जी मामले पे क्या सोचते हैं? देखिए मैडम, जो इस समय कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया जो है झेल रही है, इसके लिए निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि इसके लिए पूर्ण रूप से चीन जिम्मेदार है। और क्योंकि वायरस का, बैक्टीरिया का प्रयोग मेडिकल साइंस में बहुत पहले से चला आ रहा है, हर देश जो है मेडिकल साइंस के लिए इस तरह के वायरस का प्रयोग जो है और बैक्टीरिया का प्रयोग करता आ रहा है। मेडिकल साइंस और वेपन्स के बीच में बहुत एक पतली लाइन होती है। जिस प्रकार हम वायरस और बैक्टीरिया को मेडिसिन के लिए प्रयोग करते हैं लैब में, वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके उसे हम हथियार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तकनीकी से वही होती है। और क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि चीन आमने सामने की लड़ाई में उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने को हमें जो है दुनिया का बादशाह घोषित करने के लिए, अपने को सर्वशक्तिमान घोषित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि जो है भारत हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, इस तरह के जो ट्रेडिशनल पावर्स हैं उनको हम कमजोर कर सकें। और इसी को ध्यान में रख करके उसने जो है 2015 से ही अपने सार्स वायरस का प्रयोग कर उस पर रिसर्च कर रहा था। और ऐसा माना जाता है, एक चीज मैं क्लियर कहूँ कि कोई भी देश जब इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन से काम करता है तो उसका डिफेंस सिस्टम भी पैरेलल तैयार करके रखता है। पूरी दुनिया के सामने जब कोरोना वायरस चीन ने विभिन्न माध्यमों से इटली में, ब्रिटेन में, अमेरिका में फैलाया, और इसके बाद ये हुआ कि चीन को जब जिम्मेदार ठहराया गया तो चीन ने कहा कि हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह का ही नहीं है, अगर हमने फैलाया तो हमारे यहाँ क्यों नहीं फैला। तो निश्चित तौर पर चूंकि उसने ये डिफेंस लाइन अपने लिए तैयार कर रखी थी और अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके तब इस तरह का वो कार्य कर रहा था, इसलिए चीन में ये चीज देखने को नहीं मिली। दूसरी चीज ये थी कि अगर चीन में ये बात, इस तरह का वायरस का प्रकोप था भी, तो चीन एक कम्युनिस्ट देश है और कम्युनिस्ट देश होने के नाते तो वहां की जो चीजें हैं या बातें हैं या वहां का जो खबर है या कोई घटना घटती है वह जो है सेंसर्ड होती है, यानी गवर्नमेंट जितना चाहेगी उतना ही बाहर आएगा, दुनिया के सामने आएगा। तो वो चीन जो है इस तरह की चीजों को सामने आने भी नहीं दिया। हालांकि सैटेलाइट के माध्यम से कुछ तस्वीरें ली गई थी, बहुत सी चीजों के द्वारा प्रमाणित करने की कोशिश की गई कि चीन में भी ये चीज फैला, लेकिन चीन ने उसे दबा दिया। तो आज जो हम जिस कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया जो है इसके लिए पूर्ण रूप से चीन ही जिम्मेदार है। और उसमें कि जो है चीन ने जो है दुनिया को जो है आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए इस तरह के वायरस का प्रयोग किया है। और आप देख रही हैं कि सारा देश अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चारों तरफ से हटा करके मेडिकल के ऊपर ही जो है सारा अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। तो निश्चित तौर पर हम
जिन देशों में विकराल रूप में कोरोना वायरस फैला है वहां पर जो है अर्थव्यवस्था जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, लोगों के जनजीवन भी प्रभावित हो रहे हैं और एक तरह का मानसिक और आर्थिक जो है दबाव जो है ये देश झेल रहे हैं। एक चीज में थोड़ा सा और इसी में ऐड करना चाहूंगा कि जो ये बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं अभी मैं इसपे मुझे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ड्राई और दूसरा होता है लिक्विड, मतलब इसको किस तरह से जो है मतलब फैला सकते हैं या किस तरह से जो है दूसरे जो देशों में पहुंचा सकते हैं या किस तरह से इसको हम जो है मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ड्राई में होता है एक तुलारेमिया करके जो है वायरस होता है, एक एंथ्रेक्स होता है, एक ब्रुसेलोसिस करके होता है और एक मारबर्ग, ये सारे जो है वायरस प्रयोग किए जा चुके हैं समय समय पर किया है और इस पर काम भी कर रहा है। लिक्विड में स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा, स्मॉल पॉक्स बीमारी जो है वायरस से ही फैलने वाली है, प्लेग आपने सुना होगा, एंथ्रेक्स सुना होगा और एक वीकेंडी जो है वायरस होता है, इसको भी जो है सारी दुनिया में जो है फैलाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था जर्मनी ने जो है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो एलाइड फोर्सेज जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी जिसमें ब्रिटेन था फ्रांस था, उनको जो है कमजोर करने के लिए जो है जर्मनी ने पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में जो है एंथ्रेक्स का प्रयोग किया था और ईस्टर्न फ्रंट पर और वेस्टर्न फ्रंट पर जो है उसने जानवरों के ऊपर प्रयोग किया था और 2014 में इसका प्रयोग किया था और 2015 में चीन में बहुत तीव्र गति से जो है प्लेग फैला था। उसी समय से जो है यूरोपीय देशों ने सोचा कि अगर बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाए और इसके लिए अगर कुछ काउंटर मेजर्स नहीं तैयार किए जाए तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में यह सभी देशों के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो। इसी के तहत 1925 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ, जिनेवा कन्वेंशन में निश्चित एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि इस तरह के जो है मानव संहार को रोकने के लिए इस तरह के हथियारों का प्रयोग जो है या इस तरह के वायरस का प्रयोग या बैक्टीरिया का प्रयोग जो है सभी देश जो है प्रतिबंधित करेंगे, लेकिन जापान और अमेरिका ने जिनेवा कन्वेंशन की संधि में या उसके रखे गए प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जिनेवा कन्वेंशन का जो प्रारूप था वह जो है सफल नहीं हो पाया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान ने बड़े लेवल पर चीन के खिलाफ जो है इस तरह के स्मॉल पॉक्स और येलो फीवर आपने सुना होगा, पित्त ज्वर जिसको बोलते हैं, इस तरह के वायरस को जो है चीन में जो है वहां पर कुओं में जो है उन्होंने जो है इस तरह के वायरस को इंसर्ट कर दिया जानवरों पर, पेड़ पौधों पर, कि कोई अगर पेड़ पौधों को छूता है तो उससे इन्फेक्टेड हो जाए, जानवरों को छूता है कोई तो उससे इन्फेक्टेड हो जाए, या जानवर मरता है तो उसके आसपास कोई जाए उससे इन्फेक्टेड हो जाए। तो इस तरह से जो है जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स को एक हथियार के रूप में अपने विरोधी देश को कमजोर करने के लिए और वहां पर महामारी लाने के लिए प्रयोग किया। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसका ज्यादा रूप देखने को मिला। फिर जो है पूरी दुनिया को ये लगने लगा कि इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए और इसके लिए यूएनओ में छोटे देशों ने प्रयास किया, अमेरिका ने भी इसके लिए प्रयास किया और यूएनओ में 1972 में एक जो है संधि तैयार की गई जिसको बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कहते हैं, 1972 में इसको तैयार किया गया और इस पर जो है वाशिंगटन में, लंदन में और मास्को में, खासतौर से ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने जो है तीनों जगह इसको प्रारूप को तैयार करके हस्ताक्षर किया गया, इसकी रूपरेखा तैयार की गई और इसमें ये कहा गया कि इसका डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा और बायोलॉजिकल वेपन्स की तकनीकी को कोई देश किसी देश को ट्रांसफर नहीं करेगा और अगर कोई देश करता है तो उसे इनकरेज करा जाएगा, उसे हतोत्साहित किया जाएगा। चार चीजें इस संधि में मुख्य रूप से रखी गई थी जिससे कि जो है इसके प्रसार को रोका जा सके और 1975 में जो है इस संधि को प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस संधि के लागू होने के पश्चात से वर्तमान समय में 180 देशों ने लगभग इस पर हस्ताक्षर कर दिया है और इस चीज के लिए सहमत है कि बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में वायरस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए,
क्योंकि एक बार जब इसका हम प्रयोग कर देते हैं तो ये हमारे हाथ से निकल जाता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, और उससे स्वयं बनाने वाला राष्ट्र भी प्रभावित हो सकता है, और साथ ही साथ जो है हम जिसके खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं वो भी प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि भाई हम कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज में अगर हम किसी तरह माध्यम से पहुंच गए तो वहां जाकर के लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, तो यानी जिसने बनाया है हम उसे भी प्रभावित कर सकते हैं। और इसके एक दो उदाहरण भी आपको मैं बताऊं कि 1995 में जो है अमेरिका ने जो है 17 ऐसे देश थे जो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे थे, उनको जो है उनको उनकी निंदा किया और उसने कहा कि आप इस तरह की चीजों को बंद करिए जो मानवता के लिए खतरा है। और आपको एक और उदाहरण बता रहा हूँ कि 1979 में एंथ्रेक्स का जो प्रयोग जो है रूस जो है बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए कर रहा था अपने लैब में, तो वहां पर वो लीक हो गया था, उसके वजह से जो है वहां पर लगभग जो है 70 लोग मारे गए। इसी तरह से 1995 में जापान में भी जो है बायोलॉजिकल वायरस जो है ये लीक हुए थे लैब में, और वहां पर भी लगभग 40 लोग मारे गए। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं कि देश जो है बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हैं लेकिन चोरी छुपे बना रहे हैं, संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तब वो समय आ गया है कि हमें स्वयं, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस से संपूर्ण दुनिया प्रभावित है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है, तो अब सभी देशों को ये लगने लगा है कि आने वाले समय में हमें जो है बायोलॉजिकल वेपन या इस तरह के हथियारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 16 करोड़ का जो आंकड़ा है, हो सकता है इस समय और ज्यादा बढ़ गया हो, लोग इस समय इफेक्टेड हैं कोरोना से, और लगभग 36 लाख लोगों की जान जा चुकी है, और इसमें देखें तो 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत और अमेरिका के हैं। तो ऐसे में बहुत जाहिर सी बात है, दिमाग में एक चीज आती है कि ये कोई साजिश तो नहीं है। आपसे जानना चाहूंगी विशेषज्ञ जी, आप क्या कहते हैं, और इसमें संजय जी भी अपना जवाब देंगे। जी आवाज आपकी थोड़ी सी रुक रुक के आ रही थी, मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 आपने अच्छा सवाल किया है कि चीन का, देखिए चीन का जो है वुहान जो लैब है वो हमेशा से संदेह के दायरे में रहा है। डॉक्टर साहब भी अच्छी बात कही है कि इस दुनिया को जो है ना इस जैविक हथियार के खतरे से मुक्त करने की अब जरूरत आ गई है। चीन का वुहान लैब हमेशा से संदेह के दायरे में रहा है, और ये पिछले साल जब ये मार्च में कोविड की शुरुआत हुई थी, बहुत इक्का दुक्का केस देशों में आ रहे थे, भारत में तो मेरे ख्याल से 2-4 केस ही आए थे, तभी अमेरिका ने कहा था इसको कि चीनी वायरस है, ट्रंप ने कहा था इसको चीनी वायरस था, चीन चिढ़ गया, कहा कि भाई किसी क्षेत्र और जो है ना किसी देश की जो है ना जनता का वो करके फोकस करके और निशाने पर रख के इसका नाम चाहे इसका वो आरोप नहीं लगाना चाहिए था। तब चीन ने कहा था कि अमेरिका ने इसको जो है वो किया है, उनके यहाँ अमेरिका से आया है, अमेरिकी सैनिक अक्टूबर में आए थे 19 में, उनसे आया है। लेकिन मुझे याद है उस समय बीबीसी ने एक रिपोर्ट फाइल रिपोर्टर का हवाला दिया था और कई चीजों का, जिसमें कहा गया था कि चीन जो है बायोलॉजिकल वेपन है ना वो तैयार कर रहा है और उसी की तैयारी में है वो पिछले कई सालों से, और वहीं से कुछ गड़बड़ी हुई है, या तो उसने प्रयोग के तौर पे किया है क्योंकि उस समय केवल चीन में फैला था और चीन से फिर वुहान से ही ये निकला है बीमारी,
और उसकी सख्त ज्यादा गहराई तब की जब WHO की टीम को भी उसने वुहान लैब तक नहीं पहुंचने दिया, चमगादड़ से निकला है तो फिर जानवर के मार्केट से निकला है, इस तरह की बातें आई थी। चाइना की नीयत शुरू से जो है ना ठीक नहीं रही है इस मामले में। आप इस चीज को देखिए, संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जितनी होती हैं वो सभी देश उसको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं और अपने अपने हित के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर संजय जी इस बात से सहमत होंगे, कई संधियों को जो है ना देशों ने और जिनकी हिंसा होती है चाहे जिनकी विस्तारवादी नीति होती है वो अपने हिसाब से उसको जो है तय करते हैं। चाइना इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काबिज होने की नीयत रखता है, उसकी जो सोच है वो सुपर पावर बनने की है, अमेरिका को दबाने की। देखिए इससे दो देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, अमेरिका हुआ उसके बाद भारत हुआ। भारत में इस समय तबाही की हालत है। हमें डॉक्टर साहब से एक चीज हम भी जानना चाहेंगे कि देखिए चीन में मान लीजिए कि चाहे जैसे भी हुआ वुहान में कंट्रोल हो गया, वहां 6 महीना 4 महीना में कंट्रोल हो गया, इस समय चाइना से कोई खबर नहीं मिल रही है ढूंढने पर भी कि वहां पर कोविड का जो है ना क्या स्थिति है, चाहे इस वायरस से कोई बीमार हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन दुनिया के सारे देशों को आप देखिए, हर जगह हजारों की संख्या में केसेस जा रहे हैं। इवन ब्रिटेन में जहाँ पर की बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ, अमेरिका में, सभी जगह भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। और तो चीन ने कैसे कंट्रोल कर लिया? अगर चीन की नियत साफ होती तो बताता कि भाई हमने इस विधि से इसको कंट्रोल में किया है और यहाँ से जो है ना कुछ चीजें जो है ना उसमें भाई बात हो ही रही है कि भाई आप बताएं कि क्या किस प्रकार से किए, लेकिन नहीं किया है। ट्रंप ने बहुत सही किया था उस समय WHO को जो है ना आरोपित किया था। WHO की भूमिका इसमें बहुत अच्छी नहीं लगती है। WHO के माने पक्ष में भारत रहता है और हम भी हैं, लेकिन WHO की भूमिका उस समय से भी जो है ना चीजें आ रही हैं कि आप वहां गए और आपने जो है ना चीन के जो है ना इस वायरस को गंभीरता से नहीं लिया और धीरे 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 इसने पूरी दुनिया को लिया। आज देखिए भारत में क्या स्थिति हो रही है। पिछले साल लगा था कि ठीक है वायरस आया है चला जाएगा, लेकिन इस साल की जो स्थिति दिख रही है और जो बातें अभी आ रही हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर बच्चों पर खतरा है, तो आगे की चीजें सोच कर जो है ना तकलीफ हो रही है, एक डर का माहौल बना हुआ है। डॉक्टर साहब से मैं एक चीज जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो देश जो है बायोलॉजिकल वेपन की दिशा में काम कर रहे हैं उन पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्था है, एक मैंने उसमें वर्ल्ड मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि भाई चीन अगर कुछ काम कर रहा है या पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है या और कोई देश काम कर रहा है, तो इस पे रखने की क्या व्यवस्था है और क्या होनी चाहिए कि कोई देश जो है इस तरह का जो है ना कर पाए। क्योंकि ये वायरस अगर एनिमल का होता तो अब तक जो है ना धीरे 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 एक सीजन में वो खत्म होता है, नहीं तो कमजोर पड़ता है, ये लगातार मजबूत होता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी सर, बहुत बढ़िया चीज आपने कहा सर, आपके सवाल का जवाब आप ही की बातों में है सर। सबसे बड़ी चीज है कि आपने कहा कि सर जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनती है बड़े राष्ट्र उसको अपने हिसाब से जो है प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, उसमें शर्तें जोड़ लेते हैं। तो कमजोर राष्ट्रों के लिए तो संधियां प्रभावी हो जाती हैं, लेकिन बड़े राष्ट्रों के लिए वो संधियां कहीं भी प्रभावी नहीं होती। जैसा कि सर आपको भी पता है कि यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया और चीन है। यूएनओ में अगर कोई भी प्रस्ताव अगर इन देशों के खिलाफ लाया जाए तो वह प्रस्ताव अगर ये वीटो कर देते हैं वो निष्प्रभावी हो जाता है। आपसे फिर 10 मिनट में आपको ऑनलाइन लेती हूँ। तो जायज सी बात है सर कि अगर चाइना ने पूरी दुनिया कह रही है कि चीन जो है कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है, प्रमाणित भी हो चुका, लेकिन किसी भी देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ही प्रस्ताव ला के कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रस्ताव लाया जाता है चीन के खिलाफ, तो चीन उस पर वीटो कर देगा,
तो ऐसे में तो प्रसार या संधि जो है स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगी। मैं आपको ऐसे भी नहीं आई है। ऐसे में सोचनीय विषय है कि ऐसा क्या काउंटर मेजर तैयार किया जाए कि बड़े राष्ट्रों को भी जो है इस तरह के मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन है उसे बनाने से रोका जाए, क्योंकि प्रभावी तरीके से इन पांच राष्ट्रों के खिलाफ तो फिलहाल कार्रवाई संभव नहीं है। अगर ये पांच राष्ट्र अपनी मनमानी भी करें तो अब तक 1945 से अब तक जो है हमने जितना भी देखा इन देशों के खिलाफ एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चीन हो, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई भी प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो वो ये निष्प्रभावी कर देते हैं, वीटो कर देते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को, खासतौर से सर आपने इस बात पे फोकस किया कि चाइना के दो बड़े एनिमी है भारत और अमेरिका, और यही दो देश सबसे ज्यादा जो है कोरोना वायरस से प्रभावित है, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। और सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत के जो लोग हैं वही इफेक्टेड हुए हैं, वही प्रभावित। 16 करोड़ में से 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हम सब एक सभी लोग कहते हैं कि हवा के द्वारा भी जो है कोरोना वायरस इस बार स्प्रेड हो रहा है, यह कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स जो है सर बहुत इजी वे में आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है और वहां पर फैलाया जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि चीन की सीमा हमसे जुड़ी हुई है और चीन किसी न किसी माध्यम से एयर के माध्यम से भी जो है हमारे यहाँ इस तरह की चीजों को फैलाने में सफल हो गया हो और उस चीज को हम ध्यान ना दे पाए हो। तो बड़े राष्ट्रों के अगेंस्ट तो सर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई भी चीज नहीं दिख रहा है कि उनको काउंटर किया जा सके। और डॉक्टर साहब ये भी एक बात है कि चीन ने जो उस पे आरोप लगे, जो एक रिपोर्ट मिली है खुफिया रिपोर्ट अमेरिका को, उसका चीन ने कल खंडन भी किया है। मैडम देखिए कोई देश स्वीकार नहीं करेगा ना कि वो इस तरह का हथियार बनाया है या वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो स्वीकार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो है सामूहिक बहिष्कार हो जाएगा, हर देश उससे जो है संबंध खत्म कर लेगा। तो स्वीकार तो चीन कभी नहीं करेगा कि जो है हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत जैसे, डॉक्टर संजय जी से मैं जानना चाहूंगा कि भारत जैसे कि इस तरह के देशों से घिरा हुआ है जो पाकिस्तान है, चाइना है, तो हमें क्या फ्यूचर के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए कि इस तरह का कोई अगर मान लीजिए कि मैंने कि वायरस कोई बनाता है लैब में और सोचता है कि भाई किसी तरह से परेशान करने के लिए डाल दें, चाहे बायोलॉजिकल वेपन उसका नाम दें या कुछ भी दें, तो उससे बचने के लिए हमें क्या मैंने प्रिकॉशंस लेने की और क्या तैयारी करने की अभी ज़रूरत है? क्योंकि ठीक है अभी तो जो स्थिति है उससे हम निपट रहे हैं और उससे किसी तरीके से जो है ना लड़ रहे हैं, लेकिन जो है ना आगे के लिए भी हमें इसके लिए जो है ना वो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार में जिसकी नियत एक बार खराब हो जाती है ना, तो एक कहा जाता है ना कि जम से डर नहीं लगता है, डर लगता है कि जम ने घर का दरवाजा देख लिया है ना। तो क्या तैयारी, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर देखिए ऐसा नहीं, बायोलॉजिकल वेपन्स को सबसे बड़ी बात है साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, और इसके लिए चूंकि यह अदृश्य होता है, देखा नहीं जा सकता है इसको, ठीक है, मतलब आसानी से हम खुली आंखों से इसे न देख सकते हैं न पहचान सकते हैं। तो नहीं, इस चीज को हमारा हमारा डॉक्टर साहब आशय ये है कि मतलब ये जो लड़ाई कोरोना से लड़नी है वो तो हम इंटरनली मेडिकली हम लोग लड़ रहे हैं, आगे से मतलब कोई वुहान से गलती से कोई वायरस ना निकले जैसा कि कहा गया, इस मेरे ख्याल में ये आशय है विशेश्वर जी का। नहीं सर का आशय मैं समझ रहा हूँ, मैं वही चीज को बताना चाहूँ कि सर सबसे बड़ी बात है कि कोरोना हमारे सामने आया, आगे इससे बचाव के तरीके निकालने में एक लग गया करने में और इससे बचाव के तरीके, तो बायोलॉजिकल वेपन से बचाव का तरीका उसके आने के बाद ही पूरा जा सकता है। पहले से हम जो है
तकनीक है जो है हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारा जो फूड का मेडिकल साइंस का जो हमें मजबूत होगा उसको वही कर सकते हैं। लेकिन वायरस से क्योंकि वायरस का कौन होता है जब हमारे अस्तित्व में और हमारे ऊपर जब अपना प्रभाव पड़ेगा तभी उसके सिम्टम्स को पहचान करके उसे दवा डेवलप की जा सकती है। किसी वायरस के लिए दवा तो नहीं तैयार की जा सकती, सावधानी रखने की जरूरत है, मेडिकल साइंस और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, मेडिकल में रिसर्च और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें और ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह की समस्या आए तो तत्काल प्रभाव से हम उसको जो फर्स्ट एड कहते हैं हम प्रोवाइड कर सकें और बाकी उसके बाद तो वायरस की मेडिसिन उसके पहचान बाकी संभव है। चीजों करनी होगी और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जो है ना मजबूत करना होगा, जो कमियां और जो कमजोरियां इस बार सामने आई हैं उनको दुरुस्त कर लेना होगा। आज छोटी समस्या है, कल इससे बड़ी करेगी, कभी इस तरह के दोबारा जो स्थिति देश को देखनी पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी तैयारियों को जो है ना हमेशा अपडेट करते रहना होगा और दुनिया के समकक्ष जो है ना चीज़ों को बनाकर रखना पड़ेगा, आधुनिकतम सुविधाओं से जो है ना इन चीज़ों को लैस करना पड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन और बेड जैसी समस्याओं से अगर जूझना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी सामने आई है इस बीमारी और महामारी के समय में। डॉक्टर साहब एक चीज मैं और जानना चाह रही हूँ आपसे, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है कि 2015 में ही उन्होंने टेस्टिंग की किट भी तैयार कर ली थी, तो इसका क्या फंडा है? मैंने आपको बताया था शुरू में कि कोई भी देश अगर बायोलॉजिकल वेपन्स बनाता है या वायरस को या बैक्टीरिया को मेडिसिन के लिए तैयार करता है तो उसका डिफेंस सिस्टम भी पैरेलल वो तैयार करके चलता है। तो निश्चित तौर पर चाइना जो है जब 2015 में अपने वुहान लैब में कोरोना वायरस से संबंधित वेपन्स तैयार कर रहा था तो वो पैरेलल इसका सुरक्षा उपकरण भी तैयार करके चल रहा था, जिसके साथ उसने टेस्टिंग किट, हो सकता है पीपीटी किट भी तैयार किया हो, क्योंकि जो साइंटिस्ट उसको बनाने में लगे होंगे निश्चित तौर पर पीपी की पहन करके ही बनाने में लगे होंगे। तो वो अपने लिए एंटीडोज भी उन्होंने तैयार किया होगा, निश्चित तौर पर उन्होंने एंटीडोज भी तैयार किया होगा, क्योंकि जो भी देश इस तरह के कार्य करता है वो सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखेगा तभी तो आगे वो दूसरे के ऊपर वो कर सकता है। तो निश्चित तौर पर चीन ने अगर ये सारी चीजें कर रखी तो इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। जी हाँ, चीन ने अपनी तैयारी देखी, जिस तरह से वहां पर कंट्रोल हुई है चीजें एक झटके में, उससे लगता है कि उसकी तैयारी अपनी अलग से थी और पहले से थी, नहीं तो बाकी सभी देश जो है ना परेशान हुए। चाइना के बारे में जो शुरुआती खबरें आई उसके बाद से ऐसी खबर नहीं आई कि वहां पर जो है ना वुहान शहर के अलावा कोई और शहर जो है इतनी प्रभावित हुआ हो और इतनी बुरी तरीके से वहां पर हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कि मरने वालों की संख्या उसने छुपाई हो, चाहे कम बताया हो, चाहे बीमार की संख्या कम बताई हो, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें डॉक्टर संजय ने कहा कि कंट्रोल में है और सरकारी सूचनाएं ही वहां की जो है ना जो आती हैं वही काफी, मैंने उसी के आधार पे जो है ना सब चीजें देखी जाती हैं। तो लेकिन वहां पर फिर अभी इस समय वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि अभी भी वहां पर वायरस काम कर रहा है या वायरस का अभी वहां पर असर है। तो एक चीज और सर ध्यान दिया हिसाब से तैयारियां वहां पे जी सर, अभी चीन ने कहा कि उसने भी मेडिसिन बना ली है और वह जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या जिन देशों को आवश्यकता है उन्हें वह जो है उपलब्ध भी कराएगा। तो इसके पीछे सर एक ये डिप्लोमेसी उसकी ये भी हो सकती है कि जब पूरी दुनिया इस बीमारी से ग्रसित हो जाए तो हम अपने मेडिसिन को भी मार्केट में ला करके उसे बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत, क्योंकि चीन में जरूरत नहीं है उस मेडिसिन की और उसने मेडिसिन जो बनाई है बेचने के लिए बनाई है। तो इसके माध्यम से भी वो जो है एक तरफ तो उसने वायरस को फैलाया और दूसरी तरफ जो है अपनी दवा बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ भी करना चाह रहा है।
सब बातें जो हुई है उनसे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना के माध्यम से एक तरह से जैविक युद्ध की टेस्टिंग की गई है, जिसके लिए भारत को भी अपने आप को तैयार करना होगा। फिलहाल तो हम, हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम सब इसी मोर्चे पे जूझ रहे हैं कि किसी तरीके से जो बीमार हैं वो ठीक हो जाए, जो मौतों का आंकड़ा है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए और सबको वैक्सीनेशन दिया जा सके। फिलहाल तो इसी पे हमारे गवर्नमेंट का फोकस है और होना भी चाहिए। और बहुत अच्छी बातें आप लोगों ने कही हैं डॉक्टर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिशप सर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।